सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मैं हूँ लकी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल 47 राइडर्स। तो आज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, आपको इसकी खुशी का पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज जो आप सोच रहे हो शायद गैस करो मैं क्यों खुश हूँ आज, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। एंड जो अपन सोच रहे थे वो मेरा मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत खुश हूँ आज। तो आज इस चक्कर में मैंने एक रेंडमली राइड ट्राई किया कि आज रेंडमली राइड लेता हूँ, ऐसी रश गाड़ी चलाऊंगा, थोड़ी सी स्पीड भगा के देखेंगे। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। एंड मैंने सोचा भी था कि आज अपन मतलब थोड़ा बहुत राइड ले लेते हैं एंड देखते हैं इधर उधर घूम घुमा के। और वैसे गाइज आप सपोर्ट करते रहा करो, क्योंकि समझा करो आप अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज अभी बिगिनर हैं हम। एंड अभी अगर अभी से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे कैसे सोचेंगे। मैं वैसे पूरी मेहनत करता हूँ मेरी, आप जानते ही हो मैं मेहनत में कमी छोड़ता हूँ, तो वो आप बताओ। तो गाइज़ अपन थोड़ा सा रश करके देखेंगे आगे, थोड़ा पब्लिक प्लेस में, बट रश ड्राइव नहीं करना चाहिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। बिकॉज केयरफुली पूरी सेफ्टी के साथ अगर आप रश ड्राइव करते हो तो वो आप जैसे मत करना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। एंड अपन थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, बिकॉज ये रैंडमली राइड है अपनी ऐसे ही घूमने के लिए। तो अपन अब थोड़ा सा स्पीड चला के देखेंगे, स्पीड में चलाएंगे थोड़ा सा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बिकॉज थोड़ा सा एग्जॉस्ट का मजे भी लेना चाहिए। एंड देखा तो इधर पुलिस खड़ी है। A few moments later. थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, फिर भी अपन तो अपन है, भगाएंगे यहाँ पे फुल तेज। तो वीडियो एंजॉय जरूर किया करो आप भाई, तो शानदार भी ऐसे कभी कभार मिलते रहते हैं गाइस, आप देख सकते हैं। अरे भाई 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 बच गया, कसम से बच गया, पुलिस खड़ी थी नीचे। अच्छा हो मैं लेफ्ट साइड से नहीं था गाइस, अच्छा वो लेफ्ट साइड से नहीं था, वरना सच में आज जो मजे आ जाते थे ना मेरे, मतलब पूछो ही मत हो। मेरे पास तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, अभी तो साथ में लेके भी नहीं गया मैं। चलो भगाते हैं अभी थोड़ा सा। एंड अगर एक कमेंट इस टाइप से भी करना कि आपको साउंड कैसा लगता है भाई, ये मुझे बताना जरूर। एंड रिएक्शन आप चेक कर ही सकते हो सब बाइक का साउंड का, पब्लिक मुड़ के क्यों नहीं देखेगी। अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, स्पीड में चलेंगे, घूम घूम करते हुए आग लगा देंगे पूरी कॉलोनी में। चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हमेशा धीरे चलाना चाहिए भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई। ओ अरे 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 गिर गया भाई साहब, भाई साहब ऐसे इसलिए बोलता हूँ मैं गाइस धीरे एंड थोड़ा देख के चलाना चाहिए, अब गिर गया हो बेचारा एक सेकंड। सो गाइस देख सकते हो अभी गिर गया अभी जस्ट, एंड अब इसको उठाते हैं ट्राई करते हैं। तीन में कभी भी ट्रिपलिंग करके तो कोई बात नहीं, चलो गिर गए, अब ये नहीं पता किसकी गलती थी। थोड़ा सा इनको उठाते हैं, वैसे दो जने हैं उधर, ट्राई करते हैं अपन भी ट्राई। चलो कोई बात नहीं, वहाँ दो जने चले गए। बेटा मैं भी जा सकता था बट ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहता मैं, पीछे ट्रैफिक ज़्यादा है। और आप भी केयरफुली गाइस चलाया करो गाड़ी, अभी सामने लाइव एक्सीडेंट हुआ है आप देख सकते हो, अब पता नहीं उनके कितनी लगी है, मैं उनके पास जाके पूछ भी नहीं सकता कि कितनी लगी है। यहाँ पे सब गलत ही समझते हैं हमेशा, इसलिए अपना काम करो, भाड़ पे जाए जनता। और देखते हैं इन भाई साहब के लग गई दिखे शायद हाथ पे, कोई बात नहीं भाई साहब ध्यान से चलाना चाहिए। पब्लिक में कभी भी रश, एंड मैंने आपको हमेशा समझाया कि हमेशा रश ड्राइव नहीं करना चाहिए पब्लिक में। एंड अब अरे यार एक तो एक कार वाले भाई साहब इतनी सिंगल रोड पे भी गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देते हैं, ऐसे बेवकूफ़ भी यहाँ पे। तो अपन चलते हैं, चलो घर की साइड पे ही चलेंगे। एंड ऐसे रेंडमली शॉट पे देखो अभी लाइव एक्सीडेंट हो गया आपके सामने, देखते हैं पीछे। चलो कोई बात नहीं, पीछे तो सब क्लियर ही होंगे। एंड हमेशा कभी भी गलियों में नहीं भगाना चाहिए गाइस, मैं पहले बता दूं आपको, गलियों में तो कोई भी कहीं से भी निकल के आ सकता है, मैं तो कभी भरोसा नहीं रखता। अरे भाई साहब अब ये देखो ये नमूना,
अब गलती इसकी है ना कि लड़की की। अरे भगवान, पता ही नहीं क्या होगा ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं गाइस, मैं आपको पहले बता दूं। अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ऐसे ही राइड करते करते। बट ये है कि आज की राइड में दो आपके सामने, एक तो एक्सीडेंट होता होता बच गया और एक एक्सीडेंट हो चुका था बट उसके लगी नहीं थी ज़्यादा। तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब घर की साइड ही चलेंगे बिकॉज मैं बहुत देर से ही बाहर था आज। पूरे कोशिश कर रहा था कि आज खुश हूँ तो एक कंटेंट लाऊं। अरे यार, एक तो ये बेवकूफ़ लोग बोला था ना, मैंने कहीं से भी आ सकते भाई गाइस, कहीं से भी। तो अपन थोड़ा सा अब चलते हैं घर की साइड पे, भगाते हैं फुल तेज। जब साउंड है तो मजे तो लेंगे ना यार गाइस, सब साउंड लगा रखा है तो मजे नहीं लेंगे तो फिर मजा ही किस बात का साउंड का। तो अब ऐसा करते हैं अपन चलते हैं थोड़ा सा घर की साइड पे, भगाते हैं यहाँ पे। बट रोड खराब है गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि कभी मत भगाए कि रोड खराब होता है, बेर से अनबैलेंस हो जाती है गाड़ी कभी कभी। बिकॉज आप देख सकते हो इतने वाइब्रेशन आते हैं। अरे लड़कियों से भरोसा नहीं है अपने, वैसे लड़कियों भी कर लेना चाहिए बट आप जानते ही हो क्या बात। तो चलते हैं अब, चलो घर की साइड ही चलते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे तो घूमते घूमते। एंड एक शायद एक बाइक रेसिंग कर रही है, भगा रही है वो भी, अपन भी अगर भगाते हैं फुल तेज। तो गाइस कैब उतार ली बाइक में, तो भगाते हैं अपन भी एक बार। देखो आप, अगर वो सिग्नल होता तो सिग्नल भगाता जरूर, कंफर्म पता है मुझे सिग्नल होता तो भगाता ही भगाता कर। देख सकते हो आप आज की ड्राइव में एक्सीडेंट भी हुआ है। ऐसे ही रश ड्राइव कभी मत करना गाइस, मैं इसे आप पहले ही बताते रहता हूँ बिकॉज अपनी लाइफ एक ही है। एंड इंजॉय करो बट कचरा भी मत चलाओ गाड़ी को बिल्कुल कबाड़ी की तरह, मतलब इधर भगा रहे हो उधर भगा रहे हो, केयरफुली चलाया करो। तो अपन चलो घर चलते हैं अब। अगर वीडियो में अगर कुछ इश्यूज या मतलब कोई भी पार्ट अच्छा नहीं लगता आपको तो कमेंट में ज़रूर बताया करो भाई। इससे क्या है मुझे पता लगता है कि मतलब मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, क्या मिस लग रहा है मुझे वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना बिकॉज बहुत तबाही होने वाली है। एंड मैं, अरे पिल्लू पिल्लू पप्पी, छोटा सा पप्पी, ऐसे भी डॉगी आ जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। कभी भी मतलब थक गया मैं बताता बताता, रश ड्राइव मत करा करो। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक अपन देखते हैं कितनी गर्म हुई। तो गाइस आप देखो, मैंने बोला था ना आपको गर्म ऐसे हो जाती है बिकॉज ये क्या है, एग्जॉस्ट के बाद ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है लिक्विड कूल सिस्टम नहीं है इसमें, ये 125 पल्सर है। थोड़ा सा वो ट्राई करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। ये देखो धुआं निकलेगा, बस ऐसे डालना मत क्योंकि मैं वो जो अरे कहना क्या चाहते हो? वो रहता है मेटल का, जो भी एल्यूमिनियम जो भी स्टील वगैरह जो भी होता है, साइलेंसर पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा यार, वो तो करा रहे बट ये कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। एंड सब्सक्राइब कर देना आगे, तो क्या ट्राई आगे भी ट्राई करते। देखा कुछ ज़्यादा ही गर्म है ना हमारी गाड़ी, ऐसे कहते हैं रश ड्राइव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और